हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब के चैनल पे स्वागत है। आज जो हमारा जो हमने सीरीज शुरू की हुई थी, जिसमें हमने कंप्यूटर के जो भी रिलेटेड जो थिंग्स थी, जैसे इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, या सॉफ्टवेयर, या उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, या उसके रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, हमने उनके जो इन्वेंटर, फादर, फाउंडर और डिवेलपर के बारे में जाना था। आज उसी का जो हमारा सीरीज़ का पार्ट नंबर 5 है, जो कंप्यूटर में जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं। आज बेसिकली हमारे क्या हैं, एक तो हमारे जो फर्स्ट जनरेशन के जो कुछ कंप्यूटर रहते थे, और उसके बाद जो हमारे जो सिंपल फिर इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस जो रहती थी, और उसके बाद जो हमारी सिंपल जो हमारी आगे स्लाइड्स आएंगी आपको साथ साथ पता चलता जाएगा। और इससे पहले जो अगर आपने जो पीछे वाले पार्ट जो 4 जो आपने अगर नहीं किए हैं, तो हम उसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, प्लेलिस्ट में, आप वहाँ पे जाके उनको पढ़ सकते हैं। और एक बात, ये हमारा आज का पार्ट नंबर 5 है, और इसमें जो भी हमारे इन्वेंटर, जो डेवलपर, फाउंडर या फादर जो भी आएंगे, वो एज इट इज़ आपको जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपको वैसे ही डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो वहाँ से आपको सीधा ही जो क्वेश्चंस जो एक एक नंबर के आ सकते हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 4 होंगे जो हम बताएंगे, एक जो उसका आंसर होगा, बीच में टिक लगाना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो हमारा कंप्यूटर है इनायक, ये हमारा जो है मेनली फर्स्ट जनरेशन का है, और इसमें जो हमारा ये इन्होंने किसने बनाया है, सबसे पहले तो इससे पहले जो हमारे एक इटसाक, इडवाक और यूनिवाक जो आए थे हमारे, वो हमने जो पहले की वीडियोज़ हैं उनमें कुछ कर लिए हैं। तो देखिए, सबसे पहले इनायक किसने बनाया है, ये बनाया है JP इकर्ट एंड JP माउची। दोबारा देखिए, एक मिनट हम इरेज कर दें। देखिए जो किसने बनाया है, हमारा जो पहला पॉइंट है, देखिए इनायक जो कंप्यूटर है हमारा ENIAC, वो किसने बनाया है, वो बनाया है JP इकर्ट एंड JW माउची। नेक्स्ट देखिए, जो हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स थे, इंटीग्रेटेड, हाँ जी, जो हमारे ICs जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जो रोहोड जो हमारी है, रोहोड जनरेशन यूजिंग IT जो हमारी है इंटीग्रेटेड सर्किट, उसे किसने बनाया था, ये शायद हमारा पहले भी हो गया है, जो एक वीडियो ऐसे रिपीट हो गया मुझे लगता है। ये बनाया हमारा जैक किलवाय ने, किसने बनाया है, जैक किलवाय। नेक्स्ट देखिए हमारा जॉयस्टिक, जो जॉयस्टिक होती है, ये हमारी इनपुट डिवाइस होती है, ये किसने बनाई है, ये बनाई है हमारी, ये सारी इनपुट डिवाइस है, ये वाली और ये वाली। इसके अलावा भी बहुत है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, और भी बहुत कुछ आते हैं। जैसे हमने कीबोर्ड भी बताया था आपको, किसने बनाया था, क्रिस्टोफर लेथम शोलेस ने, और जो माउस था वो भी जो हमारा डगलस जी ने बनाया था। तो आपने ये ध्यान रखना है, जब आप वीडियो आगे जो पीछे वाली करोगे रिपीट, अगर आपको कुछ पता ना लगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी पे लिख लेना, चाहे इसका स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल से आप सीधा याद कर लेना। नेक्स्ट देखिए, जो जॉयस्टिक है वो किसने बनाई है, जॉयस्टिक है CB मिररिक ने बनाई है, किसने बनाई है, CD मिररिक ने, किसने, CD मिररिक ने। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, जो लाइट पेन है, जो हम जैसे मान लीजिए जो स्क्रीन होती है, अगर हम कुछ भी उस पर मार्क करते हैं, वो किसकी सहायता के साथ करते हैं, जो हमारा लाइट पेन होता है, मैचेस में भी ये यूज़ होती है, जहाँ पे जो हमें दिखाते होते हैं। तो लाइट पेन किसने बनाया है, लाइट पेन बनाया है वैन गुरले ने, किसने बनाया है, वैन गुरले ने। नेक्स्ट चलते हैं हम बारकोड, बारकोड जो है ये किसकी इन्वेंशन है, बारकोड क्या होता है, हमारे पास ऐसे जो कोड लाइनें बनी होती है सिंपल, जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, एक वो भी आता है, एक वो भी आता है, जैसे मान लीजिए सिंपल जो कोड होता है हमारा, जैसे जो ऐप्स के रिलेटेड होता है उसमें भी आता है स्कैन करते वक्त, तो वो अलग चीज़ है। तो जहाँ पे देखिए, जो बारकोड है वो किसने बनाया है, जो बारकोड है हमारा नॉर्मैन जोसेफ ने बनाया है, किसने बनाया है, नॉर्मैन जोसेफ ने। आपको ये हमारा जो था 5th पॉइंट आज का, नेक्स्ट पेज पे देखिए, आपको एक बात बता दी जाए, मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताई है, जो इससे पहले 4 पार्ट्स आए हैं इनो, इसको जो हमारी जो है, हमारे चाहने को हम इसको एक पार्ट में रख सकते थे, इसको हमने क्यों नहीं रखा, क्योंकि ये बहुत ही लेंथी जा रहा था। और एक बात, अगर लेंथी जाता है तो कई बच्चे इससे डर जाते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी बनेगी, और कहेंगे भी या सोचेंगे भी कैसे याद हो गए इतना ज़्यादा, तो इसलिए हमने पार्ट्स में रखा है, और कन्फ्यूज़ नहीं होना। इसको हमने जो कॉम्बिनेशन बनाया है, पहले जो हमारे जो फर्स्ट जनरेशन के आज जैसे आप देख सकते हैं, फिर जो हमारे आते हैं आउटपुट डिवाइसेस के, फिर उसके बाद फिर कोई याद आएगा, फिर उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड आपको साथ के बताते जाएंगे, तभी इसलिए हमने पार्ट्स में बांटा है, ताकि बच्चे कोई कंफ्यूज ना हो और आपको मुश्किल ना लगे याद करना। आप हर रोज़ एक एक वीडियो भी आप देख सकते हैं और आसानी से यहाँ से याद कर सकते हैं। तो देखिए, जो हमारी डेज़ी व्हील प्रिंटिंग है वो किसकी जो इन्वेंशन है, ये है हमारी इन्वेंशन डेविड S. Lee की, किसकी है, डेविड S. Lee की।
नेक्स्ट देखिए लेज़र प्रिंटर जो बहुत यूज़ होता है, ये किसने बनाया है? लेज़र प्रिंटर बनाया है गरे स्टार्क ब्रदर ने। किसने बनाया है? गरे स्टार्क ब्रदर ने। ये भी मुझे लगता है हमने पिछली वीडियो में कर लिया है, ये रिपीट हो गया है, दो चीज़ें हमारी रिपीट हो गई हैं। गरे स्टार्क ब्रदर ने क्या बनाया है? लेज़र प्रिंटर। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, देखिए नेक्स्ट क्या है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसने बनाया है? ये बनाया है फ्रिट्स कार्ल प्रिक्सचैट ने। किसने बनाया है? फ्रिट्स कार्ल प्रिक्सचैट ने। नेक्स्ट देखिए हमारा इंकजेट प्रिंटर किसने बनाया है? इंकजेट। ये भी बहुत यूज होता है। बाकी ऐसा है जैसे जैसे नए आते जाते हैं तो पीछे वाले जो हैं, क्योंकि नए में जो अलग अलग फीचर्स आते जाते हैं, वैसा ही सेम जैसे नए कोई भी जो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कोई प्रोडक्ट आता है जो पीछे वाला है उसमें कम फीचर्स होते हैं तो पीछे वाला कम यूज होने में आ जाता है। इंकजेट प्रिंटर किसने बनाया है? इंकजेट प्रिंटर जो कि जिसकी इन्वेंशन है वो है हमारे हेवलेट पैकयार्ड। किसने बनाया है? पैकार्ड। क्या है इसका नाम? इंकजेट प्रिंटर जिन्होंने बनाया है हेवलेट पैकयार्ड। नेक्स्ट देखते हैं हम, जो फर्स्ट प्रिंटर मैकेनिकल डिजाइन ऑपरेटर्स बाय, जो फर्स्ट प्रिंटर था जो मैकेनिकली डिजाइंड जिसका ऑपरेटर्स था वो किसने बनाया था? चार्ल्स बैबेज ने। किसने बनाया था? चार्ल्स बैबेज ने। और इसका एक और है जिन्होंने फर्स्ट कंप्यूटर बनाया है, जिन्होंने फर्स्ट कंप्यूटर बनाया है वो कौन है? हमारे चार्ल्स बैबेज। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, एक मिनट इरेज कर दें। हाँ जी एक बार दोबारा से देख लीजिए, फर्स्ट प्रिंटर मैकेनिकली डिजाइंड ऑपरेटर्स बाय किन्होंने बनाया है? वो बनाया है चार्ल्स बैबेज ने। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, नेक्स्ट जो हमारा पेज देखिए, माइक्रोफोन जिसकी वजह से आज हम सुन सकते हैं बेच सकते हैं या कोई भी अपनी साउंड, तो ये किसने बनाया है? ये बनाया है इमाइल बर्लाइनर ने। किसने बनाया है? इमाइल बर्लाइनर ने, जो माइक्रोफोन है। नेक्स्ट देखिए जो यूपीएस है, यूपीएस किसने बनाया है? यूपीएस जो है हमारा जॉन जे डॉट हैनली ने बनाया है। किसने बनाया है यूपीएस जो है हमारा? किसने बनाया है? जॉन जे डॉट हैनली। इसका काम क्या होता है यूपीएस का? जब लाइट चली जाए तो इसके सहारे हम कुछ टाइम निकाल सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं और जो किया हुआ है उसको सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये जो है हमारी रैम का पार्ट है। रैम किसने बनाया? रैम का पूरा नाम क्या होता है हमारा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका जो आगे पार्ट आते हैं ईप्रोम या डी रैम या जो भी आता है वो ईप्रोम जो सिंपल आते हैं प्रोम वो हमारी रोम के हैं, और जो रैम के आते हैं हमारे दो आते होते हैं, एक डायनामिक रैम एक आता है हमारे पास स्टैटिक रैम। तो देखिए डायनामिक रैम किसने बनाया है? हाँ जी एक मिनट इरेज कर लें। हाँ जी देखिए जो हमारा डायनामिक रैम है वो किसने बनाया है? वो बनाया है हमारा रॉबर्ट हर्थ डेनार्ड ने। किसने बनाया है? रॉबर्ट हर्थ डेनार्ड ने। किसने बनाया है? रॉबर्ट हर्थ डेनार्ड ने। नेक्स्ट देखिए ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता था जो आपको पूछ सकते हैं जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। इंटरनेट सर्विसेज जो सबसे पहले जब इंटरनेट आया था इंडिया में लॉन्च हुआ था वो कब हुआ था और किसकी वजह से, मतलब किन्होंने किया था? दोबारा से प्रश्न देखिए क्या आ सकता है आपका। इंटरनेट जो सबसे पहले या इंटरनेट सर्विसेज सबसे पहले जब इंडिया में आई थी लॉन्च हुई थी तो कब हुई थी, कौन सी डेट को और वो किसने की थी? वो जो हुई थी हमारी 15 अगस्त 1995 को हुई थी जो हमारा सबसे पहले इंटरनेट लॉन्च हुआ था इंडिया में। और ये किसकी तरफ से हुआ था? विदेश संचार निगम लैंड की तरफ से। किससे? विदेश संचार निगम लैंड की तरफ से। ये थी हमारी आज की जो सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा पार्ट नंबर 5 था। इसके रिगार्डिंग अगर आप कुछ भी समझना चाहते हैं पढ़ना चाहते हैं तो हमें आप कमेंट करके बताइए, अगर कुछ समझना है बाकी वीडियो में भी तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपका जल्द से जल्द जो आपकी कोई भी क्वेरी होगी आपकी जल्द से जल्द सॉल्व की जाएगी। और जो भी हमारे चैनल पे नए आए हैं कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स या जो रोज रेगुलरली देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि, और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए ताकि जो भी हम गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करवा रहे हैं जहाँ भी जो भी गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग कोई नया नोटिस आता है या जिसकी लास्ट डेट होती है या किसी की अपडेशन आती है या कोई कॉल लेटर या एडमिट कार्ड आते हैं, तो अगर आप कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम जो है आरएस लर्नर्स है, हमारा चैनल जो एग्ज़ाम प्रेपरेशन और जो कोई भी गवर्नमेंट जॉब ना कम्पिटेटिव एग्जाम्स की जो नोटिफिकेशन अपडेट आती है उनके लिए है। अगर आप कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।